हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया की माया। मैं हूँ छाया एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर अरण्यक। अरण्यक का अगर हम इंग्लिश में वर्जन देखें तो अरण्य ऑल्सो नोन एज जंगल। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी स्टोरी जंगल में कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर हो जिसका खुलासा इस मूवी में हो जाए, या फिर जंगल में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएँ घट रही हो जिसका किसी को कुछ पता नहीं हो कि क्या रीज़न से वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इस मूवी के साथ कमबैक कर रही है हमारी 90s की फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन। फोटो मूवी का जो फोटो कवर है उससे वो कॉप में दिख रही है, तो शी इज प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर रोल। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने रवीना टंडन को कभी भी टिल नाउ कोई भी पुलिस ऑफिसर के रोल में नहीं देखा है, सो दिस विल बी क्वाइट इम्प्रेसिव। उनका लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अ वेरी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लग रही है वो। तो देखना यह है कि क्या वो फाइंड आउट कर पाती है कि जंगल में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है। वैसे डिस्क्रिप्शन से तो हमें ज़्यादा नहीं कुछ पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सस्पेंस वाली चीज़ें लिखी हुई है जो आपके सस्पेंस को और इंक्रीज करता है और आपको मोटिवेट करता है कि आप जाइए और नेटफ्लिक्स पर ये मूवी को ज़रूर देखिए, रिलीजिंग ऑन 10th of December। ऑल्सो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो प्लीज़ जाइए और उसे उसका सब्सक्रिप्शन भी लीजिए। आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे OTT चैनल्स पर न्यू मूवीज़ एंड वेब सीरीज रिलीज़ हो रही है रेदर देन कंपेयर टू मूवी सिनेमास, सिनेमा हॉल्स में जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर OTT पे मूवीज़ देखने को मिल रही है तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पूरी फैमिली इकट्ठा होकर इंजॉय कर सकती है द एंटायर मूवी, साथ में बैठ के हम सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का होता है तो साल भर में जितनी भी मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होगी वो सभी मूवीज़ का आप मज़ा ले सकते हैं। इस मूवी में रवीना टंडन का साथ दे रहे हैं परमव्रता चैटर्जी एंड आशुतोष राणा। बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स नो डाउट। एज पर द डिस्क्रिप्शन, एक जंगल अनेक रास, यहाँ जानवर खतरनाक है या इंसान। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से इंसान ज़्यादा खतरनाक है जानवर से, क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए जानवर के साथ कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। तो देखते हैं इस मूवी में ज़्यादा खतरनाक कौन है। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये मूवी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहां पर किसी इंसान का हाथ रहेगा एंड मे बी ब्लेम बाद में जानवर के ऊपर डाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन से तो फिलहाल यही लगता है। कृपया किसी पे भी भरोसा ना करें, क्या यही है सिरुना का सच। सिरुना इज अ प्लेस समवेयर एंड वहाँ के जंगल की कहानी जहाँ की इंचार्ज इज रवीना टंडन। तो लेट्स वॉच द ट्रेलर एंड देखते हैं इस ट्रेलर में हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। सिरोना के सभी रहवासियों को चेतावनी दी जा रही है, सिरोना इज अ प्लेस घंटों में तूफान आने की पूरी संभावना है। तूफान कस्तूरी डोगरा SHO अंगद मलिक, आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने। शी इज लुकिंग कूल। मैंने कभी भी रवीना टंडन को एक कॉप के रोल में नहीं देखा एंड इस रोल में वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड वैसे भी यूनिफॉर्म ऑलवेज इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी, तो इसमें वो भी रवीना टंडन भी काफ़ी दमदार दिख रही है। My daughter and boyfriend both are missing. I don't get a good feeling, sir. My daughter could be in danger. A tourist. उसका हस्बैंड और डॉटर दोनों मिसिंग। मैंने रखा एक बड़े केस के लिए। और ये बड़ा केस आता भी है कब? जब मैं उस कुर्सी से उठ जाती हूँ।
अगर कस्तूरी जी अपना लीव कैंसिल करना चाहती है तो आई कांट स्टॉप हर, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मैं ही लीड करूंगा और ये बात पूरी टीम को क्लियर होनी चाहिए। क्यों कस्तूरी? हाँ हाँ सर, देखते हैं। ये किसी ने करा है, टू ट्रैप मी, टू ट्रैप यू। आज तो ये सुना था कि लोग ड्यूटी से टाइम निकालते हैं घर वालों के लिए, यहाँ पे घर वाले चुप चुप के ड्यूटी किए जा रहे हैं। कुछ घंटों की बात है फिर बवाल होगा। चंद्रग्रहण की रात को कौन भी नहीं। See, as I told you, कोई इंसान का ही काम हो सकता है जिस तरीके से बॉडी ऊपर हैंग की हुई थी एंड देन द ब्लेम गोज कि कोई जानवर है जो रात में निकलता है एंड हमला करता है। इट कैन बी वेयर वुल्फ टाइप ऑफ स्टोरी क्रिएट करने के लिए देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कोई इंसान ही इन सारी चीज़ों के पीछे रहेगा। प्रोबेबली द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट एरिया और सम पॉलिटिकल कनेक्शंस जहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती होगी एंड जिस किसी ने भी वो एक्टिविटीज होते हुए देखा होगा उन लोगों का मर्डर किया जाता होगा। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग टिल नाउ। लेट्स सी 12 नवंबर की रात को क्या हुआ था मुझे ठीक से याद नहीं। हाइडिंग थी। 12 नवंबर की रात बॉम्ब में जो हुआ उसकी जानकारी है मुझे। सब मैं सच में डर गया था साहब, इसीलिए मैं अंडरग्राउंड हो गया। सिरोना है सर, उसका अपना तरीका है। शायद कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कभी कभी चीज़ें सामने रहती है लेकिन फिर भी हमें वो नहीं दिखाई देती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी इवेंट्स को बनाया जाता है जो हमें सच दिखाने से देखने से स्टॉप करता है एंड हम लोग वही चीज़ को बिलीव करते हैं जो हमें दिखाई जा रही होगी। तो समटाइम्स वी हैव टू गो बियॉन्ड जो हम चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर स्टोरी क्रिएट हो रही है कि कोई जानवर का काम है ऑन द किलिंग्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये काम किसी इंसान का है, मनुष्य का है। एंड वहीं पे रवीना टंडन जो कॉप है उन्हें अपना फोकस डालना चाहिए एंड टू फाइंड द कल्प्रिट और उन्हें पनिश करना चाहिए। तो लेट्स सी ये जो लोग हो सकते हैं जो इतने सारी किलिंग्स कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे, तो वो अपना पावर का फ़ायदा यूज़ करके वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखना है कि किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। तो फिलहाल तो हम 10th ऑफ दिसंबर को वेट करेंगे टू नो द एंटायर ट्रुथ। तो अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे थम्स अप दे देना एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं हर रोज़ रिएक्शन वीडियोज अपलोड करती हूँ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। टिल देन, stay healthy, stay fit. Bye.